हेलो चो, सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स वंडरलैंड, और इसमें हमारा आज का लेक्चर है सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी कि कोई सिस्टम हमें गिवन होगा और उस सिस्टम में जो मासेज होंगे वो किसी वेलोसिटी से मोशन कर रहे होंगे, तो उसी के ऊपर बेस्ड हमारा आज का लेक्चर होगा सेंटर ऑफ मास में, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यदि आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन है उसको ऑन कर लें, जिससे जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो देखिए हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए बच्चों, पहली प्रॉब्लम है जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रही है बोर्ड पर, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। ये हमें एक सिस्टम गिवन है जिसमें दो मास हैं, m1 मास और m2 मास। m1 मास है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 kg, और m2 मास है उसकी वैल्यू भी हमें 2 kg गिवन है। ठीक है बच्चों, और इन दोनों से एक सिस्टम बन गया, m1 और m2 से हमारे पास क्या बन गया सिस्टम। m1 जो पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखिए ये रही v1 इक्वल्स टू 10 m/s, और m2 जो पार्टिकल है वो v2 वेलोसिटी, ये रही v2 वेलोसिटी 15 m/s। m1 पार्टिकल है वो x एक्सिस के साथ में, देखिए बच्चों यहाँ पर 37 डिग्री का एंगल, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ऐसे जो m2 पार्टिकल है वो भी x एक्सिस के साथ में ये ऊपर की ओर बना रहे हैं और ये इधर नीचे की ओर एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, 37 डिग्री बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस सिस्टम के लिए हमें जो m1 और m2 है, जो एक सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम का वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो v1 है और v2 है इनको हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, v1 को और v2 को। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस के साथ में क्या बना रहे हैं बच्चों, एंगल बना रहे हैं। तो कैसे इसके कंपोनेंट होंगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले पार्टिकल के लिए m1 के लिए, किसके लिए, m1 जिसका मास हमें गिवन था 2 kg, कितना गिवन था 2 kg, और उसकी वेलोसिटी हमें गिवन थी यहाँ पर लिखी हुई है v1 इक्वल्स टू 10 m/s, और x एक्सिस के साथ में वो एंगल बना रहा था 37 डिग्री। इसको हम कंपोनेंट में करेंगे v1 को, किसको करेंगे v1, और v1 हमारे पास 10 m/s है, तो v1 ना लिखते हुए हम 10 का यूज कर लेंगे। तो जिस तरफ एंगल बनता है उधर हम फैक्टर लेते हैं cos थीटा का, जिधर एंगल बनता है उधर फैक्टर क्या लेते हैं, cos थीटा, और थीटा हमें गिवन है 37 डिग्री के इक्वल। तो इस डायरेक्शन में यानी कि x एक्सिस के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी v1x, वेक्टर v1x इक्वल टू 10 cos 37 डिग्री, यानी कि इस v1 का x एक्सिस में कंपोनेंट आ गया हमारे पास, जिसको हमने लिखा v1x। क्या लिखा, v1x इक्वल टू कितना आया, 10 cos 37 डिग्री। अब इसी प्रकार से जो v1 है इसका y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो देखिए क्या आएगा, जिधर एंगल बनता है उधर तो cos लेते हैं और दूसरी साइड में हम sin थीटा का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, sin थीटा का। तो y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा, जिसको हमने लिख रखा यहाँ पर v1y इक्वल्स टू कितना है, 10 sin 37 डिग्री के इक्वल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले मैं बताना चाहूँगा कि साइन और कोस के 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो देखते हैं पहले उसको। तो देखिए बच्चों, यदि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर 3 हो, बेस 4 हो और हाइपोटेनियस 5 हो, ठीक है बच्चों, तो और एंगल की जो वैल्यू वो 37 डिग्री हो, कितनी हो, 37 डिग्री, तो उस केस में हमें याद रखना होगा कि कोस 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, और साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5 के इक्वल। तो इन दोनों वैल्यू का हम यहाँ पर यूज करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम इसका यूज करेंगे। तो कहाँ यूज करते हैं देखिए, तो देखिए बच्चों
यहाँ पर v1 के हमने कंपोनेंट कर लिए x एक्सिस में और y एक्सिस में। अब देखिए अलोंग x एक्सिस, तो ये रहा अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस में कितनी है वैल्यू, देखिए v1x वेक्टर फॉर्म में, तो ये लिखी हुई वेक्टर v1x इक्वल्स टू 10 cos 37 डिग्री, और cos 37 डिग्री की वैल्यू अभी हमने बताई थी कितनी होती है 4/5, ये लिखी हुई 4/5, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 10 इंटू में cos 37 हमने रख दिया 4/5, तो यहाँ 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। वेलोसिटी है, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में गिवन है। तो वेक्टर v1x हमारा आया 8 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर i कैप लिखा हुआ है, क्यों लिखा, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली, यहाँ पर हमारा ओरिजिन था, यहाँ हमारा क्या था, ओरिजिन था, तो ओरिजिन के यदि इधर हम जाते हैं तो इधर हम वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव, तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो गई, और डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं आई कैप एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हम यूज करते हैं, सॉरी एक मिनट, वाई एक्सिस में हम यूज करते हैं जे कैप, क्या यूज करते हैं जे कैप। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, वेक्टर वी वन एक्स, यानी कि इसकी एक्स डायरेक्शन में वैल्यू कितनी आई, 8 मीटर पर सेकेंड आई कैप के साथ में, या इसको ऐसा लिख सकते हैं v1x इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब ऐसे ही देखिए अलोंग y एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, y एक्सिस में देखिए वैल्यू कितनी थी, वेक्टर v1y इक्वल्स टू 10 साइन 37 डिग्री, कितनी थी 10 साइन 37 डिग्री, तो यहाँ पे लिखी हुई है वेक्टर v1y 10 साइन 37 डिग्री, और साइन 37 डिग्री की वैल्यू हमें पता थी, अभी बताया था आपको 3/5 होती है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और ये 5 इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 10 से, तो 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, और यूनिट वही है मीटर पर सेकंड। अब जे कैप लिखा हुआ है, तो जे कैप क्यों लिखा है, क्यों, इसके लिए बताया था आपको पहले ही कि प्लस वाई डायरेक्शन में हम चलते हैं तो उसके लिए जे कैप यूज करते हैं, यदि माइनस वाई डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस जे कैप हो जाते हैं, यानी कि नीचे की ओर जाते हैं, इधर नीचे की ओर जाते हैं तब माइनस ले लेते हैं, ऊपर जा लें तो प्लस। ये हो गया हमारे मास m1 के लिए, जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 2 kg, उसका कंपोनेंट हमने निकाला, और उसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल ली, और y डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी निकाल ली, उसका फैक्टर हमने कर दिया। अब जो m2 था उसके लिए हम देखते हैं, देखिए बच्चों m2 मास m2 के लिए हमारे पास ये उसकी वेलोसिटी थी, मास की वैल्यू हमारे पास m2 गिवन था, m2 इक्वल्स टू 2 kg, कितना था 2 kg था ये भी हमारे पास, तो m2 के लिए हम देखें वेलोसिटी थी उसकी 15 मीटर पर सेकंड, और इस प्रकार से वो x एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा था इधर 37 डिग्री। तो अभी बताया कि इस वेलोसिटी का हम कंपोनेंट करेंगे तो जिधर एंगल बनता है उधर तो कोस लेते हैं, तो इधर तो 15 कोस 37 डिग्री आ गया, और दूसरी साइड में साइन में आ जाएगा, तो 15 साइन 37 डिग्री, यानी कि इस 15 का x डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया और y डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया, और यहाँ पर हमें वैल्यू मिली हुई है साइन 37 और कोस 37, इनका हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो अलोंग x एक्सिस, देखिए बच्चों कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो देखिए अलोंग x एक्सिस इसको हमने v2 मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने v2, तो इसको लिखा v2x x डायरेक्शन में कितना हमारे पास 15 cos 37 डिग्री, कितना बच्चों 15 cos 37 डिग्री, और cos 37 डिग्री की वैल्यू ये रही हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आएगा 15 इंटू में 4/5, ये 5 इस 15 से 3 टाइम्स पे कैंसिल हो जाएगा, और 3 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 12 आ जाएगा, और साथ में आई कैप है प्लस में, प्लस में क्यों है, इसके लिए अभी बताया कि x पॉजिटिव में हम जाएंगे तो वहाँ पर आई कैप हम प्लस में लेंगे, ठीक है, इसलिए प्लस में हमने यूज कर लिया। अब दूसरी बच गई y डायरेक्शन, ये वाली, अब देखो बच्चों यहाँ पर हम ओरिजिन के नीचे जा रहे हैं, और ओरिजिन के नीचे जाएंगे तो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, इसलिए जो हम j कैप यूज करेंगे यहाँ पर, क्या यूज करेंगे j कैप,
तो जे कैप हमें नेगेटिव में लिखना है, क्या लिखना है, नेगेटिव में। तो देखिए अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में वी टू वाई, ये वाला देखिए वी टू वाई इक्वल्स टू 15 sin 37 degree, और साइन 37 डिग्री की वैल्यू ये रही 3/5, कितनी है 3/5, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और ये 5 इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 के इक्वल। और डायरेक्शन में देखें माइनस जे कैप लिखा हुआ है, इसका रीजन पहले बता दिया कि जब हम नीचे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, नीचे जाएंगे ओरिजिन के, तो वहाँ पर माइनस जे कैप हम उपयोग में यूज में ले लेंगे। तो हमारे पास वी टू वाई की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है बच्चों, कितनी आई है 9 माइनस जे कैप, या इसको लिख सकते हैं माइनस 9, ठीक है जे कैप, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास M1 और M2 दोनों के लिए कंपोनेंट आ चुके हैं, अब इसको आगे हम कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें निकालना है, तो उसमें दो निकलेंगे हमारे पास, एक तो x डायरेक्शन में, क्योंकि x एक्सिस में भी कंपोनेंट था और y एक्सिस में भी कंपोनेंट था, तो पहले हम वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास का x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हैं। तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कितना होगा वेक्टर v सेंटर ऑफ मास x एक्सिस, x यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम सभी जगह x का यूज कर लेंगे, y होगा तो y का यूज कर लेंगे, x है तो x का यूज कर लेंगे। इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट ले रखे हैं वो x डायरेक्शन में लिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होगा, वैक्टर वी सेंटर ऑफ मास x इक्वल्स टू एम वन वैक्टर वी वन एक्स प्लस एम टू वैक्टर वी टू एक्स अपॉन में एम वन प्लस एम टू। अब देखिए बच्चों हमने जो वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पर लिखी हुई है, वैक्टर वी वन एक्स हमारे पास 8 meter per second, आई कैप, सॉरी ये आई कैप है ठीक है, पॉजिटिव में हो गया, और वी टू एक्स हमारे पास था 12 meter per second, जो हमने पहले निकाला था ये भी आई कैप है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। मास हमें गिवन थे एम वन इक्वल टू 2 kg, एम टू इक्वल टू 2 kg, तो वी वन एक्स वी टू एक्स M1, M2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम यूज कर लेंगे, और यूज करने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, देखिए M1 हमारा 2 था, V1x हमारा 8 था, M2 हमारा 2 था, V2x हमारे पास 12 था, और डिवाइड में M1 प्लस M2, M1 2 और M2 भी 2, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए 2 को 8 से मल्टीपल कर रहे हैं हम तो 16 हो गया, और 2 को 12 से 12 से मल्टीपल करेंगे 24 आ जाएगा, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो इधर साइड में लिख दिया हमने, देखिए 2 × 8 = 16 हो गया, 2 × 12 = 24 हो गया, और 2 + 2 = 4 हो गया। अब ऊपर वाले को ऐड हम करेंगे तो 16 + 24 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और डिवाइड में 4 है, और 40 में यदि 4 का हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 10, और यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड के इक्वल है। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये वाली जो वैल्यू आई हमारी, वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो एक्स एक्सिस में है, वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, किसका, वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास का कंपोनेंट हमारे पास एक्स एक्सिस में कितना आया 10 meter per second के इक्वल। ऐसे ही हम वाई डायरेक्शन में निकालते हैं, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो देखते हैं क्या आने वाला है। तो देखिए बच्चों वाई डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर एक्स की जगह हम वाई यूज कर लेंगे, क्या यूज कर लेंगे वाई, तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर वी सेंटर ऑफ मास वाई, तो यहाँ पर जो पहले हमने देखा उसमें एक्स था, एक्स की जगह वाई हमने यहाँ पर यूज कर लिया सभी जगह, तो ये फॉर्मूला आ गया एम वन वैक्टर वी वन वाई प्लस एम टू वैक्टर वी टू वाई अपॉन में एम वन प्लस एम टू। एम वन हमारे पास 2 kg था, एम टू हमारे पास 2 kg था, और वैक्टर वी वन वाई हमने निकाला 6 j कैप प्लस में, प्लस डायरेक्शन में था ये, आप पीछे देख सकते हैं, और वेक्टर वी टू वाई हमारे पास था 9 माइनस जे कैप, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वी वन वाई तो किधर था, ऊपर की ओर, ये तो था वी वन वाई ऊपर की ओर, और वी टू वाई किधर हमारा, ये रहा नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन। तो ये सभी वैल्यू एम वन एम टू वी वन वी टू वाई इन सब की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम यूज करेंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, क्या आएगा देखिए,
एम वन टू था, वी वन वाई हमारे पास 6 है, प्लस में एम टू हमारा 2 है और वी टू वाई हमारा 9 है, लेकिन माइनस जे कैप है तो माइनस 9 हो जाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है। किधर है? नीचे की ओर। तो ये माइनस हो गया, डिवाइड में एम वन प्लस एम टू यानी कि 2 + 2 आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 2 को माइनस 9 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, और डिवाइड में 2 + 2 = 4 हो जाएगा। अब 12 में से यदि 18 को हम कम कर दें, घटा दें, माइनस साइन बढ़ा तो माइनस 6 भाग में 4 आ जाएगा, और इसको 2 से हम कैंसिल करेंगे तो 3/2 विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास की कितनी आई? -3/2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आ चुका है। ठीक है बच्चों, हमसे पूछा जाए तो हम सेंटर ऑफ मास यदि लिखें, ओनली सेंटर ऑफ मास की हमसे बात करें तो सेंटर ऑफ मास हम लिख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कितना था? 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड, और वाई डायरेक्शन में कितना है? -3/2। तो ये 2 है, 3 - 3/2 के इक्वल ये आ गया हमारा, यानी कि वेलोसिटी के सेंटर ऑफ मास का कंपोनेंट ये आ चुका। लेकिन अब हमें इसी क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? हमसे पूछ सकता है कि जो क्वेश्चन है उसका एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लिया तो इनका रिजल्टेंट किधर होगा और जो पार्टिकल है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि एंगल हमसे पूछ सकता है। तो उसके लिए देखिए क्या आंसर आएगा। तो देखिए बच्चों, एक्स डायरेक्शन में हमारे पास थी 10 मीटर पर सेकंड और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आया था 3/2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ माइनस जे कैप लिखा है वो पता लग गया होगा डायरेक्शन, तो यहाँ -3/2 ने लिख के हमने माइनस जे कैप लिख दिया। तो यदि हम इसको एक्स और वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लॉट करें, ठीक है, तो इधर देखिए ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का, और ये रहा हमारा कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव साइन है इसलिए हमने इधर ऊपर नहीं लिखा इसको। क्यों? क्योंकि माइनस जे कैप है इसलिए इसकी डायरेक्शन किधर है? नीचे की ओर। और इनके बीच में मान लो कि ये एंगल बन रहा है, ये वाला, ये जो है ये एंगल बन रहा है, एक इधर है एक्स एक्सिस में, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में है, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है जो कि थीटा एंगल के ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो हमें सबसे पहले तो इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है उसका रिजल्टेंट निकालना है जो इस डायरेक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड के साथ में आपको दिखाई दे रहा है, वेक्टर COM का मैग्नीट्यूड। तो इसको निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। फॉर्मूला हम यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। कौन सा यूज करेंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जो ये रहा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर COM इक्वल्स टू अंडरूट वी सी ओ एम एक्स का स्क्वायर प्लस वी सी ओ एम वाई का स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी सी ओ एम एक्स इंटू में वी सी ओ एम वाई इंटू कोस थीटा। और थीटा कितना हमारा? देखिए इन दोनों के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रखेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा। अब हमें पता है कोश 90 की वैल्यू, प्यारे बच्चों कोश 90 की वैल्यू कितनी होती है? कोश 90 की वैल्यू हमें पता है 0 के इक्वल होती है। तो ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये तो हो जाएगी 0। तो वी सी ओ एम का मैग्नीट्यूड क्या बच जाएगा? ओनली हमारे पास ये वाला मैग्नीट्यूड में ये वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, अब इसी का हम यूज करेंगे। वी सी ओ एम एक्स डायरेक्शन में, वी सी ओ एम वाई डायरेक्शन में हमें पता है, ये वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और इस एंगल को भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमने निकाल दिया वी सी ओ एम एक्स हमारा 10 था और वी सी ओ एम वाई डायरेक्शन में हमारे पास 3/2 था, लेकिन माइनस साइन था क्योंकि नेगेटिव इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसको पहले से नीचे हमने ले रखा है, लेकिन यहाँ पर हमने माइनस साइन यूज कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 10 का स्क्वायर प्लस -3/2 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 3/2 का हो जाएगा 9/4, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 400 + 9,
400 प्लस 9 कितना हो जाएगा 409 और अपॉन में आ जाएगा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 409 और 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो ये आ गया। तो देखिए इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है इसमें हमें इसका और इसका रिजल्टेंट देखने को मिला, वो कितना हुआ, ये हमारे पास आया अंडर रूट 409 अपॉन में 2 के इक्वल। अब हमें ये एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए बच्चों ध्यान रखना हमेशा टेन थीटा निकालना होता है, यानी कि स्लोप, इस जो ग्राफ हमें मिला है इसका हमें स्लोप लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए स्लोप हम लेंगे तो स्लोप होगा टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा हमारा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए कितना है, 3/2 है तो 3/2 लिख दिया, और बेस कितना है, 10 है तो 10 लिख दिया। तो ये जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 3 अपॉन में 2 इंटू 10, और 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, तो 10 थीटा हमारे पास कितना आ गया, 3 अपॉन 20 के इक्वल। तो ये हमसे यदि पूछ लिया जाए कि जो ऑब्जेक्ट था, जो सिस्टम था, उस सिस्टम का जो पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी और कितनी स्पीड से मूव करेगी और एंगल क्या होगा, तो यहाँ से हम उसको सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए बच्चों सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। अभी जो किया था वैसी ही प्रॉब्लम है, बस इसमें डायरेक्शन थोड़ी सी अलग कर रखी है। तो देखिए दो मास हमें गिवन है, m1 इक्वल टू 2 kg, m2 इक्वल टू 4 kg, और m1 जो मास है वो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, m2 है वो भी एक्स एक्सिस के इधर इस डायरेक्शन में एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, यानी कि ये एंगल बन रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और m1 पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है जिसकी स्पीड हमें गिवन है 10√2 मीटर पर सेकंड, और v2 इधर जा रहा है जो एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उसकी स्पीड हमें गिवन है 5√2 के इक्वल। तो इस प्रॉब्लम का, इस सिस्टम का हमें वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास जो है वो बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले m1 और m2 के हम कंपोनेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, कंपोनेंट, क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे। वो कैसे लिए जाते हैं, पहली प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया था, ऐसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, कंपोनेंट। तो देखिए क्या इसके कंपोनेंट आने वाले हैं। तो देखिए बच्चों m1 2 kg, m2 4 kg है, ठीक है। m1 वाले का कंपोनेंट ये रहा, अब तो समझ में आ गया होगा आपका, वेलोसिटी कितनी गिवन है, 10√2 मीटर पर सेकंड, ये लिखी हुई 10√2 मीटर पर सेकंड। जिधर एंगल बनता है ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी और ये वाई एक्सिस हो गई, जिधर एंगल बनता है उधर कोस थीटा ये लिया जाता है, और वैल्यू हमें गिवन है 10√2, तो इधर आ जाएगा 10√2 कोस एंगल 45 डिग्री, तो 10√2 कोस 45 डिग्री, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन में साइन लेते हैं तो इधर आ जाएगा 10√2 साइन 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये इसके कंपोनेंट आ गए मास m1 इक्वल टू 2 kg के। ऐसे ही m2 इक्वल टू 4 kg है, उसके लिए देखिए यहाँ ये ओरिजिन है इधर, और ये इसके साथ में, इस एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, तो इधर तो कंपोनेंट आ जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस में इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वैल्यू है 5√2, तो ये आएगा 5√2 कोस 45 डिग्री, कितना आएगा 5√2 कोस 45 डिग्री, और वाई डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 5√2 साइन 45 डिग्री। यानी कि m1 और m2 के कंपोनेंट हमने यहाँ पर, ये m1 के कंपोनेंट यानी कि वेलोसिटी v1 जिसकी गिवन थी उसके हमने कंपोनेंट कर लिए m1 पार्टिकल के लिए, और यहाँ पर m2 पार्टिकल के लिए वेलोसिटी v2 के कंपोनेंट हमने कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का और y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखें क्या आएगा इसका, तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं इसकी, v1x की, v1y की, v2x की और v2y की, वो वैल्यू क्या आएगी उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। तो देखिए बच्चों फॉर m1 मास,
फॉर मास एम वन, तो एम वन के लिए वेलोसिटी गिवन थी 10√2 m/s, और इसका एक्स कंपोनेंट ये आया था हमारा 10√2 cos 45 degree, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आया था हमारा 10√2 sin 45 degree के इक्वल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे हम डिस्कशन करें, आगे हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस में हम बात करें, तो अलोंग एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट हमारे पास आएगा v1x इक्वल टू 10√2 cos 45 degree, और cos 45 डिग्री हमें पता है 1/√2, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, √2 से √2 मर जाएगा, तो कितना बचेगा 10, तो v1x हमारा आ गया 10 m/s, और ये किधर आएगा हमारे पास, पॉजिटिव डायरेक्शन में, किधर आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको आई कैप पॉजिटिव लिख दिया। अब आगे देखिए y डायरेक्शन में, अलोंग y डायरेक्शन या y एक्सिस, और y एक्सिस में वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये देखिए v1y 10√2 sin 45 degree, और ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी हुई है v1y इक्वल टू 10√2 sin 45 degree, और sin 45 डिग्री भी हमें पता है √2 होता है 1/√2, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना बचेगा 10 m/s, तो ये आ गया हमारा 10 m/s के इक्वल, और ये भी ऊपर की ओर है तो इसको भी हम प्लस में लेंगे, इसलिए प्लस जे कैप हमने यहाँ पर लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। ऐसे ही हम एम टू मास के लिए निकालते हैं कि उसका एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है और वाई एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है, तो देखिए क्या वेलोसिटी उसकी आएगी हमारे पास। तो देखिए बच्चों, फॉर एम टू मास, किसके लिए, एम टू मास के लिए, तो ये कंपोनेंट हमने पहले बना लिया था, दोबारा देख सकते हैं आप कि इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट था 5√2 cos 45 degree, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी थी 5√2 m/s, तो जिधर एंगल बनता उधर cos थीटा, और दूसरी डायरेक्शन में sin थीटा हम यूज करते हैं, और यहाँ पर थीटा हमें 45 degree है, इसलिए 45 degree हमने यहाँ पर यूज कर दिया। तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा v2x इक्वल टू 5√2 cos 45 degree, और y डायरेक्शन में आ जाएगा 5√2 sin 45 degree। तो इधर देखिए बच्चों, अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस में v2x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 5√2 cos 45 degree, ये वाली वैल्यू हमने यूज कर ली। अब हमें पता cos 45 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 5 m/s, और इसमें देखिए माइनस आई कैप लिखा है, क्या लिखा है, माइनस आई कैप, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ओरिजिन हो गया हमारा, ये क्या हो गया ओरिजिन, और हम ओरिजिन के इधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं, तो इधर हम जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन चलेगी, यानी कि ओरिजिन के इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो ओपोजिट हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो जिसको हमने माइनस आई कैप लिख दिया, क्या लिख दिया, माइनस आई कैप, तो ये हमारा माइनस आई कैप आ गया। अब देखिए अलोंग वाई एक्सिस, कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस पे देखिए वैल्यू क्या होगी, वेक्टर v2y इक्वल टू 5√2 sin 45 degree, ये लिखी हुई यहाँ पर हमारे सामने, तो इसको हमने यहाँ पर यूज कर दिया। अब sin 45 डिग्री होता है 1/√2, हमने वैल्यू पुट कर दी, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5 m/s, और इसको लिखा हमने प्लस जे कैप, क्या लिखा है बच्चों, प्लस जे कैप, और क्यों लिखा, क्योंकि देखिए वाई डायरेक्शन ऊपर की ओर हमने यहाँ पर ले रखी है, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा वाई एक्सिस में, इसलिए यहाँ पर प्लस जे कैप आ गया। तो ये एम टू के लिए हमारे पास आ गए, एम वन के लिए हमने निकाल लिए, एम टू के लिए आ गए। अब हमें वी सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में कितनी होगी और वाई एक्सिस में कितनी होगी, वो हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो क्या आएगी देखते हैं। तो देखिए बच्चों, एक्स एक्सिस में फॉर्मूला तो याद हो गया होगा आपको, 2-3 बार यूज कर लिया इसको। यदि हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, m1 divided by m2, टोटल मास हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर एक्स कंपोनेंट निकालना है हमें, तो हमने यहाँ पर v1x v2x यूज कर लिया, ठीक है बच्चों। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन क्या आएगा, vCOM x = m1 v1x + m2 v2x
अपॉन में एम वन प्लस एम टू। अब हमने वैल्यू निकाल रखी थी, वी सी ओ एम एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कितनी आई थी, 10 आई कैप कितनी आई थी हमारे पास, 10 सॉरी ये वैल्यू हमारी वी वन एक्स है बच्चों, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये वी वन एक्स है और ये हमारा वी टू एक्स, ठीक है ये गलती से लिख दिया, ये वी वन एक्स है और ये वी टू एक्स होगा, ठीक है बच्चों। वी वन एक्स हमारा था 10 आई कैप और वी टू एक्स हमारा था 5 माइनस आई कैप, क्या था 5 माइनस आई कैप। एम वन हमारा 2 के जी, एम टू हमारा 4 के जी, ये सभी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में यूज करेंगे और यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रखी हुई हैं, एम वन हमने रखा 2 और वी वन एक्स हमारा 10 था, एम टू हमारा 4 था और वी टू एक्स हमारा 5 माइनस आई कैप था, तो माइनस यूज करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, मास एम वन प्लस एम टू, एम वन हमारा 2 है और एम टू हमारा 4 है, एम वन 2 एम टू 4। अब देखिए 2 को 10 से मल्टीपल करेंगे 20 और 4 को भी माइनस 5 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 20 आएगा, तो देखिए यहाँ पर ये माइनस 20 ये माइनस 20 और डिवाइड में 2 प्लस 4 कितना होगा 6 हो गया, तो ऊपर वाली वैल्यू देखिए माइनस 20 माइनस 20 कितना होगा 0, 0 में 6 का डिवाइड किया और 6 का डिवाइड यदि 0 में हम करेंगे तो 0 हमें मिल जाएगा, यानी कि इस सिस्टम का एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का कंपोनेंट कितना आया 0, वेलोसिटी का हमारे पास 0 आ चुका है। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, तो देखिए बच्चों वाई डायरेक्शन में हमें क्या करना है, एक्स की जगह वाई रिप्लेस करना है, तो हमने यहाँ वाई रिप्लेस कर दिया उसी फॉर्मूले में, ठीक है तो ये आ जाएगा वी सी ओ एम वाई डायरेक्शन में एम वन, ये वाला फॉर्मूला देखिए एम वन वी वन वाई प्लस एम टू वी टू वाई प्लस सॉरी अपॉन में एम वन प्लस एम टू, एम वन हमारा 2 था, एम टू हमारा 4 था, वी वन वाई हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड प्लस जे कैप और वी टू वाई हमारा 5 मीटर पर सेकेंड प्लस जे कैप में था, ये सभी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो हमारे पास वी सी ओ एम वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये आएगा 2 एम वन इन टू में वी वन वाई 10 है, एम टू हमारा 4 है और वी टू वाई हमारे पास 5 है और एम वन हमने डिवाइड में लिखा यहाँ पर 2 और एम टू लिखा 4, तो देखिए 2 इंटू 10 कितना होगा 20, 4 इंटू 2 कितना हो गया 20 हो गया, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू हमने यूज की ये थोड़ी सी गलत हो गई, तो देखिए बच्चों वी सी ओ एम वाई कितना आएगा 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन में एम वन प्लस एम टू, एम वन 2 था, एम टू हमारा 4 था, आगे सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 कितना होगा 20, 4 इंटू 5 कितना होगा 20 अपॉन में 2 प्लस 4 कितना होगा 6, तो ये हो गया ऊपर वाला, तो हो गया 20 प्लस 20 40 अपॉन में 6, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 20 अपॉन में 3, तो इस प्रकार से वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट हमें मिला 20 अपॉन में 3 के इक्वल, किसके इक्वल मिला 20 अपॉन 3 के इक्वल, तो ये देखिए x एक्सिस में था वी सी ओ एम एक्स इक्वल्स टू 0 और y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आया 20 अपॉन 3, तो इस प्रकार से जो सेंटर ऑफ मास है सी ओ एम उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट यदि हम लिखें तो x एक्सिस में तो 0 है और y एक्सिस में कितना है 20 अपॉन में 3, तो इस प्रकार से जो हमसे प्रॉब्लम पूछी गई थी, प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रॉब्लम का जो सेंटर ऑफ मास है वेलोसिटी का वो कितना आएगा 0 और ये तो x एक्सिस में आ गया और ये y एक्सिस में, तो देखिए प्रॉब्लम क्या थी उसका क्या आंसर आया है, हमारे पास प्रॉब्लम थी m1 2 kg, m2 4 kg, ठीक है और इसका सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास हमें बताना था जो हमारे पास है सी ओ एम वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट 0 है वेलोसिटी का और y कोऑर्डिनेट हमारे पास आया 20 अपॉन में 3, तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज का हमारा लेक्चर सेंटर ऑफ मास, जिसमें हमने मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कशन किया, दो प्रॉब्लम आज के लेक्चर में हमने सॉल्व की,
अगले वीडियो में, आज जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की उसमें दो पार्टिकल सिस्टम हमने लिए, M1 और M2 की हमने बात की, M1 और M2 की। अगले लेक्चर में हम बच्चों तीन पार्टिकल लेंगे, M1, M2 और M3, और उनका वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास का कंपोनेंट क्या आएगा, यहाँ पर जब से हमने निकाला वैसे ही उसमें हम निकालते हैं और फिर सॉल्व करते हैं और क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। ये जो लेक्चर है ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, किसके लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई सी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो। यदि आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है तो उसमें ये प्रॉब्लम काफ़ी बार अच्छे से पूछी जाती हैं, तो इसलिए सभी अच्छे से पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।